हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 o'clock से, और बच्चे गए हैं स्कूल और हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ऑफिशियल वर्क बहुत ज़्यादा है। कल रात भी डेड लाइन तक वर्क था, ऑफिस गए थे, फिर उसके बाद फिर आके उन्होंने वर्क किया। पता नहीं कितने बजे सोए, मुझे भी नहीं मालूम है। फिर सुबह उठो तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बच्चों का टिफिन तैयार करती हूँ, तो तब तक बच्चों को उठा के बेटे को नहलाते हैं, फिर उसको रेडी करते हैं, फिर बेटी को मैं ही आके रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। और फिर इसके बाद वो सो गए थे क्योंकि नींद कंप्लीट करनी भी ज़रूरी है और बच्चे स्कूल। और अभी उठाती हूँ उन्हें भी, नाश्ता वास्ता करेंगे वो भी। तो अभी थोड़ी देर में जिया के आने का टाइम भी हो जाता है, तो अभी जिया आ जाएगी तो उसके बाद आपको जिया से भी मिलाते हैं। और फ्रेंड्स, हस्बैंड को भी नाश्ता वास्ता देखती हूँ, उठ गए हैं वो शायद। तो फ्रेंड्स चलिए जिया से मिलाते हैं और हस्बैंड को नाश्ता कराते हैं। फ्रेंड्स अभी आई हूँ मैं बालकनी में। सुबह मैंने पौधों को प्लांट्स को मतलब पानी दे दिया था, बट थोड़ा सा स्प्रे करना भूल गई थी क्योंकि मैं काम करने में बिजी हो गई थी। तो बाहर आई हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है इनमें, तो थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ ताकि लीव्स जो है क्लीन रहे। और हस्बैंड उठ चुके हैं, उनको मैं नाश्ता देके आ गई हूँ, और तब तक मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ, इनकी डस्ट क्लीन हो जाएगी। और देखिए ये दाल है ना, ये गर्द की दाल है, ये घर से आई है। इसमें ना सर बार धूप में रखी थी मैंने, 3-4 दिन लगातार रखी थी। थोड़ा तो कीड़ा तो इनका ख़त्म हो गया, इसमें फिर से कीड़ा लगने लग गया है। देखिए ये अभी फिर से रखी है, धूप तो नहीं आ रही है। और कल भी यहाँ दिल्ली में मौसम थोड़ा सा मतलब धूल बारिश तो नहीं हुई है, पर धूल मिट्टी उड़ी है, तो थोड़ा सा धूल वूल आधी आई है, तो इसको थोड़ी देर धूप आएगी तो इसको बाहर रख देती हूँ ताकि इसमें से कीड़े निकल जाए। थोड़ा धूप लगेगी तो कीड़े थोड़ा साफ़ हो जाएंगे। और चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने किचन में रखी है दाल, आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। उसमें है सोयाबीन मटर और लोबिया और अरहर की दाल, थोड़ा सा उसको गाढ़ी करने के लिए सारी मिक्स दालें हैं इसमें, थोड़ी सी घोर। तो ये मिक्स दाल मैंने चढ़ाने रखी है, फिर बाद में कुछ खत्म आ गई है। और दक्ष के आने तक खाना रेडी होना चाहिए, फिर इसको मुझे लेने जाना है। वैसे तो आज हस्बैंड की छुट्टी है तो वो ही लेने जाएंगे मैं भी। तो चलिए फटाफट ये बाकी बर्तन पड़े हैं, ये स्कूल से आ चुकी है उधर, तो हो गए उसको 10 मिनट आए हुए, और वो अब पापा के साथ, पापा उसके नहलाने लगे उसे। और सुबह टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत परेशान करती है उठने में, तो अभी वो नहाने गई है, अभी आती है तब उससे मिलाते हैं जिया से आपको। और थोड़े से यहाँ पे बर्तन है क्लीनिंग के लिए स्कूल से, इसके बॉटल वाटर लग गया, आधे बर्तन तो पहले ही धो दिए थे और आधे बच्चे हैं, अभी इनको फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो चाय पत्ती है ना, ये तो मैं इसको स्टोर करके रख लेती हूँ खाद बनाने के लिए, इसकी खाद अच्छी होती है। इसमें से अदरक और जितनी भी मलाई वलाई जो भी एक्स्ट्री चीज़ होती है उनको साफ करके क्लीन करके मैं जो चाय पत्ती है उसको स्टोर कर लेती हूँ, और फिर इसको हो जाती है खाद बनाने में। तो फ्रेंड चलिए अभी जी आती से मिलाते हैं, तब तक मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ किचन में, और किचन में मैं आज कर रही हूँ ये जो प्लास्टिक की सीट है ना, ये ऊपर मैं कब से लेके आई थी, आपको भी मैंने वीडियो डाला था उसमें दिखाया होगा, बट टाइम ही नहीं मिल पाया, वो तब से ऐसी की ऐसी रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको पूरा कवर करके रख दूँ, क्योंकि ना फिर ये जो ऑयल ऑयल होता है इससे चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो सफाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं बिछा देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो ये किचन का जो एरिया है, दीवार का पोर्शन है ना, ये बर्तन धोते धोते ना यहाँ पे छींटे पड़ जाते हैं तो गंदा हो जाता है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी कवर करके रख देती हूँ जिससे ये गंदा ना हो। तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ, जिया नहा के आ जाती है, तब तक फटाफट ये कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, अभी मैं ऊपर चढ़ गई हूँ। मुझे ना ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको पूरा प्लास्टिक सीट से कवर करना है। थोड़ा इसकी सफाई कर दूंगी और उसके बाद ये देखिए मेरा हाथ नहीं पहुँचता ना, इसलिए मैंने अभी तक ये लगाया नहीं। इसलिए अपने हस्बैंड से बोला था कि आप लगा लो करके, लेकिन उनको उनका भी इतना वर्क रहता है ऑफिस का, मुझे डर लग रही है कि मैं ये गिर ना जाऊँ। उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा आज मैं ही कर लूँ। ये देखिए अभी कितनी चिकनाई हो रही है इसमें ये, और ये सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पूरी प्लास्टिक की सीट बिछा देती हूँ, और जब भी ये गंदी हो जाएगी सीट, इसको चेंज करके दूसरी बिछा देंगे। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड से देखिए, ये क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है ना ऊपर, वहाँ देखिए तो ना मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा, तो मुझे गैस वैस रख के पहले स्टूल लेके आना पड़ेगा इसके ऊपर चढ़ के, तब मुझसे बिछेगा, वरना मुझसे नहीं बिछेगा। तो मैंने गैस वैस हटा के अब ये स्टूल लगाती हूँ, फिर इसके ऊपर फिर पूरा ये कवर करती हूँ ढंग से। तो फ्रेंड से देखिए, मैंने इस तरह से ये ऊपर का जो ये पोर्शन है ना, इसको पूरा ना इसे प्लास्टिक सीट से कवर कर दिया है। ये देखिए एक तरह से, ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा इसको कवर कर दिया है। और मेरी हाइट तो जा नहीं रही थी, मैंने स्टूल लगाया, मुझे बहुत डर लग रही थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन फिर भी हो गया फाइनली। कब से रुका था ये काम, तो मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं पूरा, तो फाइनली हो गया ये कवर हो गया। तो अब ये है कि सेफ्टी रहेगी। तो अब जो मैंने फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये सब कवर हो चुका है, और ये मैंने सोचा था प्लास्टिक सीट बचेगी, बट ये पूरी इसी में कवर हो गई है। देखिए ऊपर तक मैंने ऊपर दीवार तक भी कवर कर दी है, तो जो भी है चिकनाई, ऑयल ऑयल की जो चिकनाई होती है उससे बचे रहेगा। और बाकी जो दाल वाल के डिब्बे यहाँ पे रखे थे, जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर रखे थे, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उनको दोबारा वापस वहीं पर रख देते हैं। ये देखिए मेथी, ये घर से आई थी, तो मैंने आधी नीचे मेरे पास थोड़ी, और मैंने ये आधी बाद में, मैंने कहा बाद में जब यूज़ होगी तब निकालूंगी, इसको मैंने ऊपर रख दिया है। और बाकी ये है दलिया, दलिया मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। तो जब खाना होगा यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत कम यूज़ होता है, बच्चे भी नहीं खाते, मुझे भी उतना पसंद नहीं है, तो उसको भी अभी ऊपर रख देते हैं। जो जो यूज़ नहीं हो रहा उसको ऊपर ही रख देते हैं। इसमें मूँग दाल है, साबुत मूंग दाल है, इसको भी ऊपर रख देते हैं, अभी इसका कोई यूज नहीं है, जब यूज़ होगा तब निकाल लेंगे। तो ऐसा है, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा नीचे बाकी चीज़ें रखने के लिए। तो जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है उसको ऐसे ऐसे रख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इतना सारा सामान है, ये देखिए इसके अंदर भी इतना सारा सामान है, इसकी भी मैंने अभी सफाई की थी जितनी मुझसे हो सकी मोटी मोटी, तो यहाँ पर भी इतना सारा सामान कवर करके रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती है मैंने वो ऊपर संभाल ली है, और जो उनका यूज़ ज़्यादा होता है उनको यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि फिर बाहर निकाल के भी वो उनमें खाली चिकनाई और डस्ट ही रहती है। तो बाकी जो चीज़ें यूज़ ज़्यादा नहीं होती उनको ऊपर संभाल देते हैं, यहाँ रैक में डाल देते हैं। रैक भी देखिए कितना फुल हो गया है, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, सारे रैक भरे हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कम है कम है कम है, इंसान संतुष्ट नहीं रहता ना, इतना सारा सामान होते हुए भी लगता है कि और होना चाहिए और होना चाहिए लेकिन घर में हो तो जगह ही नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, ऊपर का सारा वर्क हो चुका है, जो जो बॉक्स यूज नहीं हो रहे थे मैंने ऊपर संभाल दिए। तो चलिए उतरते हैं नीचे, जिया भी नहा के आ चुकी है, उसको भी फटाफट रेडी करते हैं, मालिश कर रही हूँ उसकी, और फिर थोड़ी देर में फटाफट लंच बनाते हैं क्योंकि दक्ष भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे। फ्रेंड्स, जिया ने आते ही मेरे से बोला मम्मा जूस दे दो, वो टीवी देख रही है, तो फटाफट उसके लिए ग्लूकोज का ऑरेंज फ्लेवर पसंद है उनके लिए, तो जूस बना के दे देती हूँ। जूस क्या है, ग्लूकॉन डी है, थोड़ा आजकल गर्मियों के दिनों में पानी बहुत ज़रूरी है, तो एक एक गिलास स्कूल से आने के बाद वो ज़रूर पीते हैं, तो फटाफट उसको बना के देती हूँ, वरना वो अभी हल्ला करने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जिया के लिए जूस रेडी हो चुका है, ऑरेंज फ्लेवर ही पसंद है उसको, तो चलिए उसको दे के आते हैं और फटाफट उसकी मालिश करती हूँ, और फिर उसके बाद जिया से आपको पिलाती हूँ। फ्रेंड देखिए, जिया स्कूल से आ गई है और नहा के फ्रेश हो गई है, रेडी हो गई है, और जिया ने आज क्या पहना है, जिया ने आज फ्रॉक पहना है, इसका फेवरेट कलर पिंक कलर, दिखाओ ये देखो, है ना अच्छा है ना, फिर मैं दूसरा पहनूंगी कल। हाँ कल वो दूसरा पहनेगी, तो जिया का फेवरेट, हम दोनों का फिर से अच्छा लगेगा फिर से। तो जिया का फेवरेट कलर है पिंक, तो जिया ने आज फ्रॉक वेयर की है, और साथ में चल रहा उसका टीवी, तो जिया टीवी देख रही है,
गुड आफ्टरनून नहीं बोला आपने किसी को? गुड आफ्टरनून वहाँ तो यहाँ तो देख लो तो गुड आफ्टरनून। अच्छा स्कूल में दिन कैसा रहा आपका? अच्छा रहा स्कूल में दिन? हाँ। तो और मैम ने जयपुर रामी भी बोला। अच्छा सुबह सर हो रही थी, पता है मामा मेरे को मैम ना जेफर जानवी बोलती है, तो बड़ी मुश्किल से समझाया कि जेफर जानवी बोलती, कोई बात नहीं तब जाके रेडी हुई है। तो फ्रेंड चलिए इसको टीवी देखने देते हैं और मैं लंच बनाती हूँ। वो दाल मैंने रखी थी ना तो वो अभी ढंग से पकी नहीं है, उसमें मटर थोड़ी सी कच्ची है, मैंने फिर से बॉयल करने के लिए रखी है। तो इसको टीवी देखने देते हैं और मैं लंच बनाती हूँ। सब मैं आई हूँ किचन में और दाल थोड़ी सी पकी नहीं थी, उसमें थोड़े से मटर थोड़े कच्चे रह गए थे, तो मैंने फिर से एक दो सीटी लगाई है और अब दाल में छौंका लगाती हूँ। और दक्ष को उसके पापा लेने गए हैं तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, छौंका लगाती हूँ और फटाफट चावल चढ़ाती हूँ और तब तक दक्ष भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।